वेलकम फ्रेंड्स, टेक्निकल आकाश में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं। चैनल में बने रहने के लिए बहुत से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट से, लाइक से, शेयर से हमें बहुत एनर्जी मिलती है वीडियो बनाने में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का वीडियो क्या होने वाला है, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके RC खो जाता है या किसी तरह मिसप्लेस हो जाता है तो आप डुप्लीकेट RC के लिए कैसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो वो प्रोसेस मैं आप लोगों को आज दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही इजीली। तो वीडियो के कुछ एक पार्ट भी आप मतलब मत स्किप कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। कुछ पार्ट मत स्किप कीजिए, वीडियो का अंत तक देखिए। और इस वीडियो से आप अगर आपको कुछ फ़र्क पड़ता है, कुछ प्रॉफिट होता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिसकी इसकी ज़रूरत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर आप पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में चले आइए। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पर आप टाइप करेंगे M Parivahan। तो M Parivahan आप टाइप करेंगे, तो चलिए M Parivahan हम टाइप करेंगे तो यहाँ पर ये चला आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो M Parivahan का जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो चलिए हम लिंक में चलते हैं। ये देखिए, ये लिंक है, ये ऑल इंडिया बेसिस यही लिंक चलता है। तो ये वेबसाइट है parivahan.gov.in। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये जो ऑल इंडिया बेसिस का वेबसाइट है ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विस का, ये है। तो चलिए यहाँ पर हम ऑनलाइन सर्विस में आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑनलाइन सर्विस है। तो चलिए हम ऑनलाइन सर्विसेज में चलते हैं। सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज हैं, उस पर हम जाएंगे। तो उस पर जाने के बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करने के लिए आएगा। तो हम चलिए स्टेट का नेम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ देखिए, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका नाम आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ तो मैं त्रिपुरा सिलेक्ट कर लिया मैंने। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो डाउन लेफ्ट कॉर्नर में आप लोगों को दिखाई देगा RTO सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से। तो जिस स्टेट में है उस स्टेट का जो RTO जो भी है उसका नाम आप लोगों को यहाँ पर शो होगा। तो आप लोग उसका RTO का नाम आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप लोग RTO का नाम नहीं जानते तो आपने RC के फ़ोटो वगैरह कुछ जो भी है उसमें देखिए, आप लोग RTO का नाम आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब TR01 है, TR02 है, वो स्टेट के हिसाब से वेरी करेगा। तो यहाँ से चलिए हम RTO का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत से ऑप्शंस हमारे सामने खुलकर आ गए हैं, आप लोग ये सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर जाके मैंने प्रीवियस वीडियोस भी बना रखे हैं। अगर आप लोग RC में एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं, RC में मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल है चैनल में। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो हम लोग चलिए यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, चेंज ऑफ एड्रेस, हाइपोथिकेशन, एडिशन, कंटिन्यूशन, टर्मिनेशन, डुप्लीकेट RC। तो हम इस ऑप्शन में आएंगे। इस ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों से मांगेगा, मतलब आपका बाइक का जो नंबर है, और चेसिस नंबर आप लोगों को देना होगा। चेसिस नंबर आप लोगों को मिलेगा बाइक का जो इन्वॉइस है उस पर आप लोगों को मिल जाएगा। देन RC में आपका चेसिस नंबर, इंजन नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग डाल देते हैं बाइक का नंबर। देन यहाँ पर चेसिस नंबर का लास्ट 5 कैरेक्टर डालेंगे। याद रखिए लास्ट के 5, फर्स्ट के 5 नहीं। तो यहाँ पर ऐसे डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर न्यू ऑप्शन नीचे से आ गया है RMN, मतलब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आपका ओनर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर डालने से उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए देना है यहाँ पर। तो चलिए हम मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर जनरेट OTP में क्लिक करेंगे। तो OTP यहाँ पर एक अलर्ट करके आपके यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है OTP हैज़ बीन जनरेटेड एंड सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विथ रेफरेंस नंबर, ऐसा। तो यहाँ पर आप लोगों को साथ ही साथ एक SMS आएगा। तो SMS में आप लोग जाकर देखेंगे कि OTP क्या है। यहाँ पर 8848 है, तो चलिए मैं OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस आ गए हैं एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म में। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, यहाँ से आप ओनरशिप भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा आप ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए नंबर 3 में आप लोगों को डुप्लीकेट RC का एक ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोग डुप्लीकेट RC में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो आ जाएगा। इस पेज में देखिए पहले से जो पहला कॉलम है वहाँ पर देखिए डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, मतलब ये सर्टिफिकेट आपको क्यों चाहिए। यहाँ पर देखिए रीज़न सिलेक्ट करने के लिए बोला गया है। रीज़न देखिए लॉस्ट, आपका RC लॉस्ट हो गया मतलब खो गया है, थेफ्ट चोरी हो गया है, टॉर्न मतलब ये फट गया है, या अदर रीज़न आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर इनमें से कोई रीज़न नहीं है। तो ये रीज़न आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं लॉस्ट सिलेक्ट कर देता हूँ। लॉस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए रीज़न आपको
यहाँ पर लॉस्ट आ जाएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ पर देखिए, अगर ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट होता है तो यहाँ पर आपको FIR मतलब FIR रजिस्टर करना होता है नियर बाई पुलिस स्टेशन में। तो यहाँ पर रिपोर्ट FIR का नंबर आपको डालना होगा, FIR डेट डालना होगा, देन यहाँ पर पुलिस स्टेशन का नेम डालना होगा। अगर आप यहाँ पर लॉस्ट की जगह अदर सिलेक्ट करते हैं तो यह अदर रीज़न आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। और अदर जब सिलेक्ट करेंगे तो ये FIR का जो ये कॉलम है ये हट जाएगा। देखिए नीचे एक रेड कलर का एक नोट दिया गया है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज यूज इन केस ऑफ सेल, ऑक्शन एंड सक्सेशन। जब ओनरशिप आप लोग ट्रांसफ़र करेंगे, ओनरशिप जब आप ट्रांसफ़र करना चाहेंगे किसी दूसरे आदमी को सेल करेंगे बाइक, तब भी आप इस वेबसाइट में आकर ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस डिटेल्स आपका आ जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक वेबसाइट जो सर्वर है वहाँ से आपका इंश्योरेंस डिटेल्स ले आएगा। जैसे कि मेरा इंश्योरेंस 22 जुलाई 2022 में तक वैलिड है, तो ये आप लोग चेक कर लीजिए। और नीचे देखिए, नीचे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, फी पैनल। फी पैनल में क्या क्या डिस्कस हुआ है देखिए। फी पैनल में डिस्कस हुआ है कि देखिए सीरियल नंबर 123 करके दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। पहला है इशू ऑफ डुप्लीकेट RC, जो डुप्लीकेट RC वो लोग इशू करेंगे उसका चार्ज है 150, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टल फी, पोस्ट जो इंडिया पोस्ट की तरफ से ये आपके घर में ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसका चार्ज है 25। और जो स्मार्ट कार्ड मिलता है, स्मार्ट कार्ड लो आप लोगों को पता ही है, ATM कार्ड की तरह आप लोगों को मिल जाएगा, जो RC है वो डुप्लीकेट RC मिल जाएगा, उसका स्मार्ट कार्ड का फी है 200। तो टोटल 150, 25 एंड 200 मतलब 375 आपको टोटल यहाँ पर पे करना होगा। तो यहाँ पे आप 2 से 375 जैसे ही आप लोग डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, UPI से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आप लोग थोड़े दिन में वेट कीजिए, ये लगभग 7 to 14 या 15 वर्किंग डेज लेगा और आपके घर में नेक्स्ट जो पोस्टल का हैंडलिंग का जो भी डेट्स है या जो टाइमिंग है उसके हिसाब से आपके घर में डुप्लीकेट RC आ जाएगा। तो आज का वीडियो सिर्फ यही तक था। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और आप लोगों का ये लाइक बहुत ही एनर्जेटिक होता है, हम लोगों को बहुत ही एनर्जी देता है नए न्यू वीडियोस क्रिएट करने के लिए। आप लोगों के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।